एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आज सुबह सुबह तैयार होके सोच रही हूँ, थोड़ा शहर का हालचाल देख के आती हूँ, क्योंकि दो दिन में है इलेक्शन, परसों है एक्चुअली, परसों इलेक्शन है, तो सोचा थोड़ा शहर का हालचाल देख के आती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ। मुझे लगता है इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग काफी डिफरेंट है। पहले तो लोग एक महीने पहले से घर घर जाते थे, अपनी अपनी बातें रखते थे और वोट अपील करते थे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट या पार्टी के लोग अभी तक हमारे घर पे नहीं आए हैं। तो आज मैं निकल पड़ी हूँ सिलचर के सड़कों पर सिलचर के हालचाल जानने। रास्ते पे निकलते ही इतना ट्रैफिक जाम, मुझे लगा बाईपास से होके जाऊंगी तो मैं आसानी से सिलचर के मेन एरिया में एंटर कर सकती हूँ। मैं वहाँ पर गई लेकिन वहाँ रोड क्लोज्ड, तो बस दुखी आत्मा की तरह तपती धूप में तपते हुए इसी रास्ते से ट्रैफिक जाम को चीरते हुए मैं आगे बढ़ी। तो स्वागत है आपका इलेक्शन स्पेशल ट्रैफिक जाम में और आप हैं सिलचर में। बाहर आके मुझे लगा मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद पता चला गलती उतनी भी बड़ी नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही किया बाहर आके। यहाँ पर आप देख सकते हो जगह जगह पर सिक्योरिटी तैनात है, और ये हमारा रांगीरखारी पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी सबका झंडा लगा हुआ है। फिर आगे जाके ये देखा, उन्होंने हमें बताया कि उन्हें कि वो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं। बोरिंद्र कुमार दास जो बंगाली नवनिर्माण सेना से लड़ रहे हैं, उनका सिंबल है नाव, मतलब वोट। पर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं, वोट तो हमें देंगे ना। खैर बाहर निकलने का ये फायदा तो हुआ कि मुझे पता चल गया और मैंने आप सबको भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं शमशान घाट के सामने थी तो माँ को प्रणाम कर लिया, क्योंकि यहाँ से जाऊँ और माँ को प्रणाम ना करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सुबह से पूरा शहर घूम रही हूँ, इलेक्शन में बस दो दिन है पर उतना भी ज्यादा हलचल नहीं है। तभी मैं खुदीराम स्टेचू के सामने आई और यहाँ पर चल रहा था प्रोटेस्ट। समस्त आसाम रेडी पालन करता दिवस गत 10 এপ্রিল इलेक्शन की हवा तेज हो चुकी है, एटलीस्ट बीजेपी की तरफ से। बाकी पार्टियों को भी एफर्ट लगाना चाहिए, आज के दिन तो लगाना ही चाहिए। तो अब इनके बातें सुनने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आसपास और क्या क्या हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं वो जगह जो सिलचर में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सौदरगढ़ ब्रिज। क्या आप सबको भी ये जगह पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। यहाँ से मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, क्लॉक टावर माने 0 पॉइंट तक जाऊंगी और फिर मैं रिटर्न आ जाऊंगी। यहाँ पर इलेक्शन की हवा काफी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स मैंने नोटिस किया है जहाँ पर कमल खिले हुए हैं। ओ भाई यहाँ तो रैली की तैयारी चल रही है या फिर रैली शुरू हो गई है। चलिए उनको भी थोड़ा फुटेज दे देते हैं, बाकी तो कोई मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बाइक्स भी बहुत सारी है। मुझे लगता है वो लोग उधारबंद की ओर जा रहे हैं, लेकिन मुझे उधारबंद नहीं जाना, मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट बिल्कुल नहीं करती हूँ। आज मैं ऐसे ही बाहर निकली थी और मुझे जो जो मिले मैंने सबको सुना और मैं घर जाके सोचूंगी किसे वोट करना है। तो चलिए रैली को यहाँ तक मैंने साथ दिया, वो आगे निकल गए, अब मैं पीछे निकलती हूँ, मतलब मैं अपने रास्ते निकलती हूँ। एक बार फिर से मैं अपनी प्रोटेक्टर मतलब आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स सबको धन्यवाद देती हूँ एंड कंग्रेचुलेट करती हूँ, वो लोग बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो आज के दिन मैंने अभी तक 3 चीजें नोटिस की, BNS के लोकसभा कैंडिडेट, CPM का प्रोटेस्ट और BJP की रैली। पर प्रोटेस्ट काफी जल्दी आधे घंटे के अंदर ही खत्म हो गया। खैर छोड़िए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज धूप बहुत ज्यादा है और सुबह से धूप में चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई है, और जिंदा रहने के लिए मुझे अभी कुछ ठंडा चाहिए। तो मैंने पी लिया रस्ते के साइड में खड़े होकर फ्रूट शेक, जो काफी टेस्टी था। अब अपने एनर्जी को फिर से रीलोड करने के बाद मैं रस्ते पर निकल पड़ी हूँ, और सिलचर नेशनल हाईवे के सामने आते ही मैंने देखा सुष्मिता देव। तो चलिए अब उन्हें भी सुनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर छे तो ढलाइर बहरे को আপনি সিলচরের মানুষের জন্য কি কাজ
चलिए अब उन्हें सुनने के बाद जनता से कुछ बातें करते हैं। মানে ফুল ফুটাইবা। चलिए ये भी सही है, ये सबका निजी मामला है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन मैंने किसी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं किया। पूरा दिन सबके बीच में रहकर मैंने बहुत कुछ सुना और अब घर जाकर मैं सोचूंगी। वैसे आप लोग क्या सोच रहे हो, किसे करेंगे आप लोग वोट, किसे करना चाहिए वोट, पीएम कौन बनेगा? वैसे ये सोचने वाली बात है, तो आप लोग मन लगाकर सोचिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अपना वोट कास्ट जरूर करें। और फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, आप सब देख सकते हो मेरी हालत कितना खराब हो चुका है। धूप बहुत ज्यादा था आज, पर बहुत कुछ देखा, आप सब को भी दिखाया, और देखते हैं कल क्या होता है। तो कल भी आप सब मेरे साथ रहिएगा। बाय बाय।